कल हमने कुछ ऐसा देखा जिसने हमें थोड़ा बेचैन कर दिया। आरव की दोस्त थामी उसके कमरे में कल देर रात सिमर के कपड़े पहनकर खड़ी हुई थी। ये बात हमें जरा भी रास नहीं आई। हम जानते हैं कि आरव में हमारे संस्कार बहुत ही आदर्श वाला लड़का है, इसलिए आरव हमने तुम पर शक नहीं किया, लेकिन बाकी दुनिया पर हमें जरा भी विश्वास नहीं है, जरा भी भरोसा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि सिमर तुरंत बहू के रूप में अपने ससुराल वापस आ जाए। बड़ी माँ, कल रात के बाद ही मुझे लगा कि मुझे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। Tammy is on her way back to US. वो भी फ्लाइट में है, ऑलमोस्ट अब तक तो पहुंच भी गई होगी। कोई बात मेरे फैमिली मेंबर्स को परेशान करे या बेचैन करे वो मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। शाबाश। सिमर, अब तुम खुद ही अपने ससुराल, अपने घर, अपनी गृहस्थी को संभालने के लिए तैयार हो जाओ। तुम दोनों आज ही शादी करने के लिए तैयार हो ना? जी बड़ी मां। तो फिर देर मत करो, तुम्हारे कमरे में तुम्हारी शादी का जोड़ा रखा है, जाकर तैयार हो जाओ। जी। जाओ। आरव, तुम भी तैयार हो जाओ, चेंज कर लो। हाँ बोलो सिमर। जो तुमने किया ना सिमर आज, वो सही नहीं था। अब भूलो मत कि तुमने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। यू आर बाउंड टू सिंग फॉर मी। तुम ऐसे अधूरे में छोड़ के नहीं जा सकती। समर, लिसन टू मी। नो, यू लिसन टू मी। जिस सिरफिरे इंसान को तुम अपना पति कहती हो ना, उसने तुम्हारी पर्सनल लाइफ तो बर्बाद कर ही दी है, तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ में मिट्टी डाल देगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड सिमर। He is a really bad news, a real bad news for you. Enough, Samar. एक और शब्द नहीं। इसके बाद मेरे आरव जी के लिए एक गलत शब्द और निकालना तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूँगी। वही तो मैं देखने आया हूँ सिमर, कि तुम क्या कर सकती हो। तुम्हें बचाने के लिए मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूं सिमर, और खास तौर से उस आरव से तो मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा। चले जाओ यहां से। आई एम वार्निंग यू समर, वरना बहुत बुरा होगा। पहले ही तुम अपने सारे लिमिट्स क्रॉस कर चुके हो, जस्ट गो अवे। तुम उसके लिए मुझसे उलझ रही हो, वो किसी का भी पति कहलाने लायक नहीं है सिमर। ना ही वो सच्चा लाइफ पार्टनर है और ना ही सच्चा इंसान। आखिरी बार बोल रही हूँ सिमर, चले जाओ यहाँ से, वरना मुझे सबको बुलाना पड़ेगा और फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। मेरी और आरव जी की शादी हो रही है और इस तरह तुम्हारा मेरे कमरे में आना कोई नहीं झेल पाएगा सब। जिसको अभी नहीं सिमर, नहीं, इस बार नहीं, इस बार मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा। उस धोखेबाज इंसान से मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा। एकदम चुप। तुम मुझे चुप करा रही हो? मैं यहाँ तुम्हें सच्चाई बताने आया हूँ, तुम्हारी आंखें खोलने आया हूँ, तुम मुझे चुप करा रही हो?
शिवा 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 ठीक हो ठीक हो शिवा शादी से पहले कुछ अलाउड नहीं है। एक दुल्हन के दर्शन सीधा मंडप पे चले चले फिर नहीं वो तो मतलब देखिए 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 हमने किसको पकड़ा है हमारे दूल्हे राजा को वो भी तब जब वो छुप छुपाते हमारी दुल्हन के रूम में घुसने की कोशिश कर रहे थे आरव थैंक यू ये क्या शैतानी हैव सम पेशेंस ये क्या बात हुई मतलब मेरे बेटे को क्यों शैतान बुला रहे हैं? आप शायद भूल गए ये सारी खुराफात ना इसने आप ही से सीखी है कि नहीं वैसे अगर मैं एक बात कहूं तो ये गलत नहीं होगा गजेंद्र भाई साहब को देख के लगता नहीं कि वो भी कभी शैतानी करते होंगे तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी प्यारी सी और भोली सी संदन जी झूठ कह रही है अरे इंदू जी मैंने कब कहा अरे अरे आप चिंता मत कीजिए हम एक काम करते हैं हम सीधा सोर्स से पूछते हैं बड़ी माँ आप बताइए ना क्या सच्चाई है हमारे घर की कोई भी बहू झूठ बोल सकती है भला लेकिन हम आप सबको ये जरूर बताना चाहेंगे कि भले ही हमारा गजेंद्र बेटा चेहरे से साधु दिखता हो लेकिन ये छुपा रुस्तम बचपन से ही चंचल स्वभाव का है चलो इसी मौके पे फैमिली सेल्फी हो जाए बिल्कुल आके खोले सुबह हम सॉरी सिमर ये सब करना मेरी मजबूरी है ट्रस्ट में ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं ताकि उस इंसान से बचा पाऊं जो प्यार करने का नाटक कर रहा है सिमर उठो सिमर मेरे पास टाइम नहीं है इंदु बेटा संध्या बहू आज आज दिल में एक अजीब सी कश्मकश है एक तरफ हमारी पोती अदिति अपने ससुराल के लिए विदा हो रही है और दूसरी तरफ हमारी सिमर अपने ससुराल वापस लौट के आ रही है जो घर उसका पहले से ही होना चाहिए था आज जाके ये घर ये परिवार सिमर का शानो शौकत से स्वागत करेगा सही कहा भाई सिमर ने इस घर के हर एक सदस्य का दिल जीतने के लिए अपनी जान लगा दी घर के हर एक कोने को अपने प्यार से सींचा है उसने वाकई बड़ी माँ ये ससुराल सिमर का ही है सही कहा आपने इस घर की बड़ी बहू होने के काबिल अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ सिमर है वैसे हमारी प्यारी बिटिया है कहां नहीं आरव आज इस शादी इस रिश्ते के अलावा तुम्हारे लिए कोई काम कोई बिजनेस कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए एक्चुअली शायद डॉक्टर आरव वो पोर्ट करके होंगे सिमर को तैयार होने में इतना वक्त क्यों लग रहा है रीमा जी बड़ी माँ
यहाँ ना, जरा देखो सिमर तैयार हो गई क्या। अगर तैयार हो गई है तो उसे नीचे ले आओ। जी लीजिए, आपकी बहू आ गई।